गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही ज़रूरी अपडेट शेयर करने वाला हूं। अपडेट कह लें या फिर इन्फॉर्मेशन कह लें, क्योंकि इसे अगर आपने पूरा देख लिया तो जो लोग भी इंडिया यानी भारत देश से विदेश जाने के लिए सपना देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी, थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाएगा, थोड़ा सा सतर्क सावधान हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे कैसे लोगों के साथ क्या क्या फ्रॉड हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे भारत देश में बेरोजगारी का जो स्तर है काफ़ी ऊंचे स्तर पे है। तो अब बेरोजगारी का स्तर ऊंचे होने के कारण इनकी एक गैंग होती है, एजेंट की, ये जो ट्रेवल एजेंट होते हैं। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे एजेंट एक जैसे होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। उनकी एक ऐसी गैंग होती हो जाती है जो एक्टिव हो जाते हैं, जो सिर्फ निशाना बनाते हैं उन लोगों के जो सीधे साधे लोग होते हैं। ठीक है, जो उनसे झगड़ नहीं सकते, जो उनसे सवाल नहीं कर सकते, जो उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, ऐसे लोगों को वो लोग निशाना बनाते हैं और ऐसे लोगों को निशाना बना के वो अमीर होना चाहते हैं। और जो हमारे सीधे साधे लोग हैं, ये बेचारे सिर्फ और सिर्फ अपना घर चलाने के लिए विदेश जाना चाहते हैं। तो मतलब किसी की मजबूरी का इतने बड़े स्तर पर फायदा उठाना ये गैंग हो सकती है। ठीक है, ये क्राइम है, ये क्रिमिनल लोग हैं। तो दरअसल अभी करेंट टाइम पे ऐसी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्तर पर आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसका शिकार बन रहे हैं। तो अभी करेंट टाइम पे आंध्र प्रदेश की पुलिस की तरफ से एक डेटा जारी किया गया है। ठीक है, डेटा में क्या है, वहाँ की जो चीफ है उन्होंने ये बताया है कि आंध्र प्रदेश में अभी जनवरी 2022 से लगा के अप्रैल 2022 तक एक ऐसा डेटा आया है जो आपको चौंका देगा। मालूम है 37,000 वीजे निकले थे, एजेंटों निकाले थे 37,000 वीजे विदेश के। ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, 37,000 वीजे निकले थे 37,000 वीजे में सिर्फ और सिर्फ 10,000 वीजे सही थे। ठीक है, बाकी 27,000 वीजे पूरे के पूरे फ्रॉड थे। अब आपको आइडिया है 27,000 वीजे कितने हो गए। ठीक है, अगर कोई भी बंदा 1,000 भी एक वीजे से ले रहा है तो कितना पैसा होगा, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये, आप कुछ समय के लिए तो यार पैसे ले सकते हो, लेकिन उन भाइयों का पैसा ले रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ कर्ज लेके अपने घर को चलाने के लिए विदेश जाना चाहते हैं। तो उनके साथ ऐसा ना करो। अगर किसी का आप सहारा नहीं बन सकते तो कम से कम उसके साथ आप फ्रॉड भी ना करो। ठीक है, और अपने उन सीधे साधे भाइयों से हमारा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि जहां तक हो सके, जितना ज्यादा हो सके, इन लोगों से बचो, इन लोगों से दूर रहो। और अगर कोई जानने वाला, कोई जान पहचान का एजेंट है तो आपको लग रहा है कि नहीं वो आपका काम करा देगा, तो ही आप भले करो। ऐसे किसी भी रैंडम आदमी के पास ना जाएं आपको अपने वीजे का काम कराना हो या विदेश जाना हो। ठीक है, क्योंकि फ्रॉड बहुत ऊंचे स्तर पे हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश की तरफ से ये डेटा आया हुआ है कि 37,000 में से सिर्फ 10,000 वीजे सही हैं, 27,000 वीजे गलत हैं। और इसको देखते हुए आंध्र प्रदेश पुलिस ने एक नंबर भी जारी किया गया है, मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा इशू होता है, उस स्टेट पुलिस को आप कॉल कर सकते हो, वो आपकी मदद करेंगे। ठीक है, उन्होंने इसीलिए नंबर वो जारी ही किया है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ उन लोगों से है यार, वो लोग जो चोरी कर रहे हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो एक तरीके से क्राइम कर रहे हैं, ये क्राइम है। और क्या कहा जा सकता है, ये क्राइम ही है। सीधे साधे आदमियों से जो पैसा लूटता है उसे क्राइम ही कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग करते रहो, आप लोगों को भी सजा इसकी मिलेगी। ठीक है, आप लोग भी जो कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं आपको कोई नहीं देख रहा, सब लोग देख रहे हैं, सबको पता है, किसी न किसी दिन फंसोगे आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन हमारे जो सीधे साधे भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट है, भाई आप लोग सतर्क रहो। ठीक है, दुनिया बहुत चालाक है, आप घर के बाहर कदम निकालते हो वैसे आपको ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो किसी न किसी तरह से आपका वो फायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है, तो सतर्क रहो, सावधान रहो और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो, ताकि ऐसे जो कोई भी अवेयरनेस की वीडियो आती है तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देता रहता हूं। तो होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।